नमस्कार, आइए इस वीडियो में देखते हैं कि नंबर्स आसानी से कैसे समझे जाते हैं। हमें लगता है चार्ट बनाने से फायदा होगा, लेकिन नहीं होता है। ये चार्ट देखिए, इसमें कोई भी नंबर कोई भी दूसरे नंबर से कंपेयर करना फिर भी मुश्किल है। तो कैसे करें? पहले तो पूरा डेटा सिलेक्ट करें, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब में है। काफ़ी सारे टाइप के आते हैं, पिछली बार हमने आइकॉन सेट देखा था, इस बार देखेंगे डेटा बार्स। आप जो भी रंग चाहिए चुन सकते हैं। दो टाइप के कलर आते हैं, सॉलिड कलर आता है, नीचे वाला जो है ग्रेडियंट है, जो अच्छा लगा ले लीजिए। अब देखते हैं इसने ये बार कैसे बनाए। सबसे छोटा नंबर है 11, सबसे बड़ा है 93, तो उसने क्या किया उस हिसाब से बनाया। अगर मैं नंबर चेंज करता हूँ तो देखिए पूरे बार चेंज हो गए। अभी अगर निगेटिव नंबर डाले तो क्या होता है, वो लाल कलर में दूसरी तरफ दिखाता है, बीच में एक एक्सिस आ जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जब हम बार का कलर चूज कर रहे हैं लाल वाला नहीं लेने का, क्योंकि अगर निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो परेशानी होगी। अगर ये जो निगेटिव वैल्यू का लाल रंग है चेंज करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैनेज रूल में जाना है, एडिट रूल, उसके अंदर निगेटिव वैल्यू एक्सिस और जो भी चाहिए कलर आप चूज कर सकते हैं। अब देखते हैं और एक प्रॉब्लम, इधर 85 97 से कम है लेकिन बड़ा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि कॉलम बड़ा है। तो करना क्या चाहिए, सब कॉलम का जो चौड़ाई है सेम होना चाहिए। यह है आपके लिए क्विज या पहेली, 11 और 97 का बॉर्डर अलग कलर में कैसे आ रहा है, आंसर दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से हम डेटा बार को यूज कर सकते हैं डेटा आसानी से समझने के लिए। अगली बार वीडियो में हम देखेंगे कि कलर स्केल का इस्तेमाल कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, तो अगले वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। इस बार सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।